जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। और आज है भाई 1 जनवरी, तो भाई नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उठा के बैठा दिया है, सो रहे थे, मैं नहा के आ चुकी हूँ, तो मैं उनको उठा के बैठा आई हूँ। और तब तक मैं अपने बर्तन कर लेती हूँ साफ पीतांबरी से। और यहाँ मैंने रखा हुआ है पानी गर्म करने के लिए, मतलब गर्म क्या, गुनगुना करूँगी। और यहाँ देखिए मेरे बर्तन हो चुके हैं एकदम साफ पीतांबरी से, तो यहाँ मैंने गुनगुना पानी ले लिया है और नहलाने के लिए। भाई पानी ठंड में ना ही तो उनको ठंडा पानी पिला सकते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो गुनगुना पानी ही पिलाएंगे। और नहलाने के लिए भी गुनगुना पानी ही चाहिए। तो यहाँ देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी स्नान कर चुके हैं, तो नए साल की शुरुआत भाई हम अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ मेरी लड्डू गोपाल जी स्नान कर चुके हैं, उनको उन्हीं कपड़ा भी सब पहना दिया है, क्योंकि ठंड बहुत है, उनका भोग भी लगा दिया है, उनकी माला पगड़ी सब पहना के उनको तैयार कर दिया है। सबसे पहले सुबह सुबह हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं और यहाँ मेरी हो रही है पूजा। और जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और भाई आज है 1 तारीख, यानी कि नया साल, तो सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा श्याम सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं, सबका जीवन खुशहाल बनाए। सो फ्रेंड्स, यही सब है कि हमारा 2023 जो है बहुत अच्छा जाए, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों में हमने बहुत सारी परेशानियां झेली हुई हैं। तो फ्रेंड्स, बाबा श्याम से यही प्रार्थना है कि हमारा ये 2023 साल सबका बहुत अच्छा जाए, क्योंकि शायद पिछले सालों में हमने बहुत ज़्यादा परेशानियां झेली हुई हैं, जैसे कि 2020, जो इसे हम कभी भुला ही नहीं सकते, है ना। तो बस आगे हम बीमारियों से, हर अलाव बलाओं से प्रभु बचाए रखें और सबका जीवन खुशहाल बनाए रखें, बस यही प्रभु से प्रार्थना है। और फ्रेंड्स, यहाँ मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी है, और देखते हैं आज क्या बनाते हैं स्पेशल बच्चों के लिए। भाई बच्चों की फरमाइश पे ही बनेगा, देखिए। तो चलिए चलते हैं। और अभी लाइट चली गई हुई है और यहाँ मैं नहा धो के आज आ गई हूँ, कपड़े वगैरह फैला दिए, और हमारे किट्टू बिट्टू धूप में खेल रहे हैं। आज धूप निकली हुई, कल तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, एकदम कोहरा बादल था, आज धूप निकली हुई है तो वो भी आराम से खेल रहे हैं। सच में वो भी, मतलब ठंड में उन्हें बहुत देखना पड़ता है, डर लगता है कहीं ठंड ना लग जाए। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं भून रही हूँ सूजी, मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा, जिसका मुझे भोग लगाना है लड्डू गोपाल जी को अपने। तब तो मैंने मिश्री का भोग लगा दिया था, लेकिन अब मैं भून रही हूँ सूजी। और यहाँ जा रही हूँ मैं अपने चिंटू और बिट्टू, इन सब लोगों को इनका नाश्ता देने, और इनसे भी करती हूँ मैं सबसे हैप्पी न्यू ईयर। मेरे चिट्टू बिट्टू किट्टू सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बिट्टू हैप्पी न्यू ईयर। और यहाँ देखिए दोनों कितने आराम से बैठे हुए हैं, मतलब एक बच्चे के तरीके रहते हैं ये घर में। और फ्रेंड्स, अब हो रहा है शाम का टाइम, तो आज भाई घर में बनने वाले हैं मोमोज। भाई बच्चों की डिमांड थी कि न्यू ईयर के दिन मम्मा मोमोज घर पर ही बनाना, उनको मोमोज बहुत पसंद है, तो मैंने कहा मैं घर पर ही मोमोज बनाऊंगी। तो यहाँ मोमोज बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 2 बड़े टमाटर और 5 लाल मिर्च, तो इनको मैंने पानी में धुल लिया है और कट करके इनको मैं रख रही हूँ बॉयल करने के लिए। और ये वाले रेड टमाटर होते तो बहुत अच्छे होते, बट ये वाले ज़्यादा रेड नहीं हैं, हो गया। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 5 मिर्च और इनको मैंने रख दिया है गर्म पानी में उबलने के लिए। और तब तक मैं और काम तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है आधा बंद गोभी साफ छील काट के, और यहाँ ले ली है 1 गाजर छील के। तो अब मैं इनको सबको कद्दूकस से कस लेती हूँ, 1 गाजर और आधा बंद गोभी है, देख लीजिए। और यहाँ स्टफिंग के लिए मैंने हरा मटर, हरा धनिया,
हरी मिर्च, लहसुन, अदरक ये सब काट लिया है। और यहाँ मेरे बॉयल हो चुके हैं टमाटर और वो मिर्च। और यहाँ मैंने लिया है एक कटोरी मैदा, उसमें डाला है हल्का सा नमक। और अब मैं लगा रही हूँ आटा, यानी मैदा लगा रही हूँ। और आटा इसका एकदम सॉफ्ट लगता है। यहाँ मेरा आटा लग के हो गया रेडी, तो यहाँ मैंने हल्का सा एक चम्मच ऑयल डाल दिया है। और इसको 5-7 मिनट के लिए मैं ढक देती हूँ, तब तक मैं अपनी स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरा आटा एकदम सॉफ्ट लग चुका है, ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना। इसको मैंने ढक के रख दिया, तब तक मैं अपनी स्टफिंग बना लेती हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में मैंने सबसे पहले डाली है प्याज। प्याज को मैं करूँगी फ्राई, तो यहाँ मेरी प्याज हो रही है फ्राई। और प्याज की फ्राई होने के बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ हरा मटर, इसको भी मैं कर रही हूँ फ्राई। और इसके बाद मैंने डाल दी हरी मिर्च। इन सबको करना है अच्छे से फ्राई। और जब ये फ्राई हो गए अच्छे से, तब मैंने डाल दी है गाजर। तो गाजर मेरी हो रही फ्राई, और जो मैंने बंद गोभी काट के रखा हुआ है वो वो भी मैंने सब डाल दिया इसमें। और अब अच्छे से करना है इनको बढ़िया से फ्राई। यहाँ मैं भून रही हूँ, और मेरी फ्लेम है जो मीडियम है। तो यहाँ देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, और इसमें लाल मिर्च नहीं डालना है, बस काली मिर्च का पाउडर ही डालना है। और यहाँ मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि नमक थोड़ा उसमें भी डाला है मैदे में, और चटनी में तो रहेगा ही रहेगा। तो मेरी स्टफिंग भी तैयार हो गई है, मैं चटनी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं छिलके उतार रही हूँ टमाटर के, तो यहाँ मैंने छिलके उतार लिए हैं। और जो और बस मैंने 2 टमाटर, लाल मिर्च और अदरक और लहसुन की कलियाँ डाली हैं, और बस मैं सबको पीस रही हूँ। तो मेरी चटनी बन के हो गई है रेडी, बस उसको फ्राई करना है। और यहाँ अब मैं बना रही हूँ रोइयाँ, काट लेती हूँ मोमोज बेलने के लिए। और मेरी चटनी भी बनके तैयार हो गई। तो यहाँ जो लहसुन की मैंने काट के रखा हुआ है पीस में, वो मैंने डाल दिया ऑयल में, क्योंकि अब चटनी फ्राई करनी है। और अदरक जो कस के रखा था कद्दूकस कर, वो भी डाल दिया। और अब जो मैंने चटनी पीस के रखी हुई थी वो डाल दी। तो यहाँ मेरी चटनी भी पकेगी थोड़ा देर, इसके बाद हम बनाएंगे मोमोज। तो यहाँ हमारी चटनी पक रही है, ज़्यादा देर नहीं पकाना। और अब यहाँ डाल दिया है मैंने नमक। यहाँ हमारी चटनी बनके हो गई है रेडी, और देखिए स्टफिंग हमारी बनके हो गई है तैयार। तो यहाँ हम बेलते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना। और अगल थोड़ा थोड़ा मैंने किनारे से पानी लगा दिया, जिससे अच्छे से चिपक जाएंगे, निकलेंगे नहीं। और बस इनको प्लेट दे के ऐसे फोल्ड करते जाना है, बहुत जल्दी फोल्ड हो जाते हैं ये। तो देखिए यहाँ मेरा मोमोज बन के, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, ट्रेंगल आकार में भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं सारे मोमोज जल्दी जल्दी बना लिए हैं। और यहाँ देखिए अब मैं कर रही हूँ उनको फ्राई। और जब इनको फ्राई करते हैं तो ऑयल बहुत अच्छे से होना चाहिए, तेल जब अच्छे से गर्म होगा तभी मोमोज आपके अच्छे से पकेंगे। तो यहाँ देखिए मेरे मोमोज पक रहे हैं। तो ये एक बार तो मैंने निकाल लिए, और अब मैं फिर से देखिए यहाँ मेरे मोमोज बन के हो गए हैं रेडी। में फिर मैं दोबारा निकाल लेती हूँ इनको, देखिए। और यहाँ देखिए हमारे मोमोज बन के हो गए हैं रेडी। तो आप लोग भी आ जाइए हमारी न्यू ईयर की मोमोज पार्टी में शामिल होने। मैं जा रही हूँ बच्चों को देने, सबसे पहले बच्चे ही खाएंगे, इसके बाद में हम सब लोग खाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हो रही है बच्चों की मोमोज की पार्टी, आप लोग भी आ जाइए शामिल होने हमारे साथ। और फ्रेंड्स 2 जनवरी को हमारी सब्सक्राइबर हैं प्यारी सी प्रीति जी इटावा से। तो प्रीति जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका जीवन खुशहाल रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठंड ना बहुत लग रही है, मैं आई हूँ टहलने जरूर, मैं ना खाना खा के टहलती हूँ थोड़ा देर।
और ये शोर शराबा चारों तरफ आज न्यू ईयर का ही हो रहा है, रात भर वो तरह फिर अभी हो रहा है। और जानते हैं मैं टहलने आई हूँ बट बहुत ठंड लग रही है, लेकिन यह ना कि खाना खा के मैं ज़्यादा नहीं तो 5-7 मिनट तो टहल ही लेती हूँ, उससे क्या है ना थोड़ा ठीक रहता है, तुरंत खाना वाना खा के लेट जाइए ठीक नहीं, तो मैं 5-7 मिनट टहल लेती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कितना कोहरा है, मतलब रात में भी रात से ही कोहरा आ जाता है एकदम, तो भाई ठंड है। और फ्रेंड्स हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है वो कहाँ कानपुर से हैं, किदवई नगर कानपुर से हैं, उनका नाम है राधा मिश्रा। तो भाई राधा मिश्रा जी, आपको नए वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी सभी सब्सक्राइबर को, मेरी पूरी फैमिली को, भाई मेरी पूरी फैमिली है तो सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स मैं ज़्यादा देर तो नहीं टहलूंगी क्योंकि ठंड बहुत लग रही है, और आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, कहीं घूमने गए या घर पे ही सेलिब्रेट किया, ज़रूर बताइएगा। और मैं इसी के साथ करती हूँ अपनी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ कोई मिस ना हो, यूं ही आप तक पहुंचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।